भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मैं सीनियर पीआई इंदलकर सर से सर के आदेश से आपकी एक मीटिंग ले रही हूँ। इसमें महिला सुरक्षा यह एक विषय है। महिला सुरक्षा महिला यानी एक घर की पूरी जिम्मेदारी एक महिला उठाती है। एक मायका हो या ससुराल, दोनों घर चलाने का काम महिला करती है। और सबसे कमज़ोर हम कब रहते हैं? जब हम पढ़ाई नहीं करते। जब हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, हम खुद पढ़ेंगे, खुद जिम्मेदार बनेंगे या खुद की सुरक्षा खुद करने में समर्थ होंगे, तभी आप आगे जा सकते हो। आपकी बच्चियाँ यानी कि आप खुद आपके बच्चों को घर से भेदभाव बनाते हो। लड़की है, लड़का है, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये छोड़ दो। अभी अब सभी क्षेत्र में लड़कियाँ आगे जा रही है। आगे जाके बहुत सारी अभी महिला सुरक्षा के बारे में बताया जाए तो ऐसे सुनाई दे रहे हैं ना आपको। महिला सुरक्षा के बारे में बताया जाए तो बहुत अभी कायदे में भी बहुत तरतूद हो चुकी है लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में। तो ये आपको जब आप पढ़ोगे, जब आपको समाज का ज्ञान होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि महिलाओं के लिए क्या क्या सुरक्षितताएँ या क्या क्या योजनाएँ बनाई गई है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपके बच्चों को पढ़ाना होगा। उसके बाद महिलाओं के बारे में बताया जाए तो महिलाओं को सोना पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। पर अभी माहौल ऐसा हो गया है कि रास्ते में आते जाते बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी पर जाने वाले बहुत चोर ऐसे रहते हैं कि गले से चेन चुरा के लेके जाते हैं। घर में सोना रखे तो घर से चोरी होता है, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद मोबाइल स्नैचिंग, हम फ़ोन पे बात करते भी चले जाएंगे तो चलते रास्ते से चलते भी जाएंगे तो भी मोबाइल का चोरी चलते चलते होता है। और बताया जाए तो साइबर क्राइम, बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते टाइम वो क्या पढ़ रहे ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि साइबर पे बहुत सारे वीडियोस मैसेजेस आते हैं, कभी कभी ऑनलाइन व्हाट्सअप कॉल भी आते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, पर ये जिम्मेदारी आपकी है। कभी कभी बड़े लोग भी इसमें फंस जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, वीडियो ऑनलाइन वीडियोस गंदे मैसेजेस आते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, तब आपने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का और कंप्लेन लिखा देने का। और लड़कियों के बारे में बताया जाए तो यानी लड़कियाँ बहुत आप खुद बोलते हो कि कमज़ोर है, पर ऐसे नहीं कि लड़कियाँ कमज़ोर है, आप खुद उनको कमज़ोर बनाते हो। अगर कभी ऐसा कुछ गलत लगे लड़कियों के बारे में, कोई आपको बताए या नहीं बताए, आप तुरंत पुलिस स्टेशन में आके बताने का, कुछ हुआ तो हमें इन्फॉर्म कर देने का। कभी भी 24 घंटा पुलिस स्टेशन आपके लिए सजग है। धन्यवाद धन्यवाद। एक हफ्ता 15 दिन से भिवंडी शहर या हिंदुस्तान का जो कि माहौल थोड़ा सा खराब हुआ है और दूसरे धर्मा की वजह से, फिर कुछ अपने भी बच्चों ने यहाँ पे भिवंडी शहर में कुछ ट्वीट किया, उससे हंगामा हुआ। उसी सिलसिले में भिवंडी पुलिस आयुक्त ने हर पुलिस स्टेशन में कॉर्नर मीटिंग लेने का आदेश दिया। अभी 4-5 मीटिंगें हो चुकी है, समरोह बाद गोल्डन होटल, कल स्कूल में भी था और दरगाह दीवान साहब की मीटिंग थी, फिर मॉक ड्रिल भी था और मुंशिका साहब भी साथ में थे वहाँ पर, सब पुलिस स्टेशनों में मीटिंग किया। डायरेक्शन ये है, जो नौजवान बच्चों को जो डायरेक्शन देने का था कल उनको डायरेक्शन दे दी गई कि भाई मोबाइल जो आप यूज़ करते हो उसमें कुछ ट्वीट आता है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और व्हाट्सअप चलाते हैं, अगर उससे कुछ गलत मैसेज आता है किसी भी धर्म के बारे में, नहीं अगर आपको